हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने आए हैं पंजाब पीपीएमईटी बीएससी नर्सिंग के बारे में। पंजाब में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग चल रही है सेशन 2024 की, और काउंसलिंग की प्रक्रिया पर अभी नया अपडेट क्या है, अब आगे कौन सा राउंड स्टार्ट होगा, काउंसलिंग स्टार्ट होगी या नहीं होगी, कितनी सीटें वैकेंट है, इस पर मैं जानकारी देने के लिए आया हूं। अब देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं काउंसलिंग की, तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि बीएससी नर्सिंग की बेटा सेशन 2024 की अभी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हुई है। अभी कौन सी काउंसलिंग कंप्लीट हुई है बेटा? सेकेंड राउंड है ना। अभी सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो बेटा अभी कंप्लीट हो चुकी है। जानकारी के लिए बता दूं कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग 1 अगस्त को स्टार्ट हुई थी, 6 अगस्त तक चॉइस फिलिंग हुई, और फिर बेटा आपका जो है 16 अगस्त को फाइनल अलॉटमेंट आया। 17 अगस्त से 24 अगस्त तक बच्चों ने सीटों को ज्वाइन कर लिया। क्लियर बात? अब देखो, अब इसके बाद क्या, अब लगभग 1 सप्ताह हो चुका है और अभी कोई अपडेट नहीं, तो अब आगे क्या होगा? तो बेटा अब इसके बाद स्टार्ट होगा मोपअप राउंड। इसके बाद कौन सा राउंड स्टार्ट होगा? मोपअप राउंड, जिसको हम थर्ड राउंड भी बोलते हैं। तो अब थर्ड राउंड की क्या स्टार्ट होने वाली है बेटा? काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है ना। तो अब थर्ड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। बात बड़ी यह है कि भाई थर्ड राउंड की पिछले साल भी तो काउंसलिंग हुई थी, तो पिछले साल थर्ड राउंड काउंसलिंग कब हुई थी वो डेट भी मैं आपके सामने रख रहा हूं, है ना, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि सर अब अगला राउंड कब होगा, अगले राउंड की काउंसलिंग कब शुरू होगी। तो देखो बेटा, थर्ड राउंड की जो अब काउंसलिंग है पंजाब के लिए बीएससी नर्सिंग के लिए, है ना, ये बच्चों अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूं तो पिछले साल बेटा क्या था कि 11 सितंबर को सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ था, सेकेंड राउंड, और फिर 5 अक्टूबर को थर्ड राउंड स्टार्ट हुआ था। तो लगभग 1 महीने के बाद ऐसा ही हुआ। अब देखो बेटा, यहां पर भी 1 अगस्त को सेकेंड राउंड हुआ है। 1 अगस्त को अगर सेकेंड राउंड हुआ है तो नियमानुसार 1 सितंबर को थर्ड राउंड होना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है बच्चों कि सेप्टेंबर के फर्स्ट वीक में आपके थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड राउंड बोल सकते हो आप इसको, ओपन या मोपअप राउंड भी बोल सकते हो, ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। अब देखो, देखे अब बात बड़ी ये है कि क्या सीटें खाली है सर? जी हाँ बिल्कुल बेटा, गवर्नमेंट कॉलेज में भी सीट खाली है और प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी सीट खाली है। काफी बच्चों ने सीटें रिजाइन भी की है ना, और काफी ऐसे बच्चे हैं जिनको सेकेंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिला था बट ज्वाइन नहीं किया। प्राइवेट कॉलेज में लगभग बच्चों 1000 के आसपास सीटें खाली है, और गवर्नमेंट कॉलेज में भी 50+ सीटें खाली है ना। बिल्कुल, तो इसलिए बच्चों अब थर्ड राउंड की काउंसलिंग शुरू होने वाली है। यह तो है बेटा काउंसलिंग का अपडेट। ओके बिल्कुल। अब देखिएगा, अगर कोई बच्चा सेशन 2025 के लिए, अगर कोई स्टूडेंट सेशन 2025 के लिए तैयारी करना चाहता है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, तो मैं एक जानकारी दूं आपको बेटा, सेशन 2025 के लिए अगर कोई पंजाब का स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है तो वो ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर सकता है। ये पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन बैच है, इसमें क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकता है। अगर कोई पंजाब का स्टूडेंट नीट का भी एग्जाम देना चाहता है, साथ में एम्स का भी एग्जाम देना चाहता है, एम्स बीएससी नर्सिंग का और पंजाब बीएससी नर्सिंग का भी एग्जाम देना चाहता है, तो उसके लिए हम एक तरह का
एक कॉम्बो बेच लेके आए हैं जिसमें हर एक लेवल की आपको स्टडी मिलेगी। 1190 इस बेच की फीस रहेगी, तो कोई भी बच्चा अगर इस बेच को ज्वाइन करता है तो फिर उसे अलग से कोई बेच लेने की जरूरत नहीं है। नर्सिंग नीट दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी। इसमें क्लासें 2 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, तो कोई भी बच्चा अगर ज्वाइन करना चाहता है तो इस बेच को ज्वाइन कर सकता है। 12 महीने की वैलिडिटी है बेच की, है ना। कोई बच्चा अगर सेपरेट एम्स का बेच ज्वाइन करना चाहता है, केवल एम्स के लिए तैयारी करना चाहता है, तो विजेता बेच है, और केवल जो है वो पंजाब के लिए तैयारी करना चाहता है तो ये ब्रह्मास्त्र बेच है। अगर बच्चा इस बेच में जुड़ता है तो पंजाब और एम्स दोनों की तैयारी जो है हो जाएगी, ठीक है ना। कोई भी बेच ज्वाइन करिए बेटा, 990 रुपए फीस है, 1000 रुपए से भी कम फीस में हम आपको पढ़ाते हैं बेटा। अब देखिए, जिन बच्चों का बीएससी नर्सिंग में फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो चुका है, जो पंजाब के किसी न किसी कॉलेज में बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए ये बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर फर्स्ट का बेच है, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी हम लोग पढ़ा रहे हैं। अगर आप इन बेच को ज्वाइन करते हैं तो बेटा, अगर आपके कॉलेज में अच्छी फैकल्टी नहीं है या प्रॉपर क्लासें नहीं चल रही है, तो आप जरूर इस बेच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। पंजाब के अंदर सर बीएससी नर्सिंग का पेपर पैटर्न रहता कैसा है, तो पंजाब में जो बच्चा 2025 का एग्जाम देगा उनके लिए ये पेपर पैटर्न है, नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। प्रत्येक सेगमेंट से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 400 मार्क्स का एग्जाम, और जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। सिलेबस 11th और 12th एनसीईआरटी का रहता है, ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर आपको जो है निवेदन करूंगा, अगर आप इंतजार कर रहे हैं थर्ड राउंड का, तो थर्ड राउंड 1 सप्ताह के बाद स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 2, अगर बेटा आप चाहते हो 2025 बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करना, तो आप विजय एजुकेशन ऐप से ब्रह्मास्त्र बेच ज्वाइन करके एम्स और पंजाब नर्सिंग दोनों की प्रिपरेशन एक साथ कर पाओगे। इस बार बेटा 2024 में अपने विजय एजुकेशन से पंजाब के स्टूडेंट्स ने टॉप किया है बेटा, आपको पता होगा सबसे ज्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं यहाँ से। तो मैं आपको भी कहना चाहूंगा बेटा, आप जुड़िए विजय परिवार के साथ, मिलके अच्छी तैयारी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई और डिटेल चाहिए तो आप विजय टीम से बात भी कर सकते हैं बेटा, और काउंसलिंग स्टार्ट होते ही मैं आपकी चॉइस फिलिंग करवाने में बहुत मदद करने वाला हूं, ठीक है। और विजय एजुकेशन का जो ऐप है बेटा, वो लैपटॉप, वेब, iOS, एंड्रॉइड सभी में चलेगा। आप जिसमें भी क्लास लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और कॉल करके टीम से बात भी कर सकते हैं। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।